हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय का फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो कि फैंस के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स को भी पसंद आ रहा है। दरअसल करण जौहर, वरुण धवन और कैटरीना जैसी स्टार्स ने गली बॉय की जमकर तारीफ की है। जोया अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की फर्स्ट चॉइस रणवीर सिंह नहीं बल्कि कोई और था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो एक्टर कौन है जिसने इतनी अच्छी फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, तो चलिए हम बताते हैं आपको। दरअसल गली बॉय पहले रणबीर कपूर को भी ऑफर की गई थी। जी हाँ, जोया अख्तर ने 2 साल पहले रणबीर कपूर को भी ये फिल्म ऑफर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जोया अख्तर ने 2 साल पहले फिल्म की कास्ट फाइनल करने के दौरान रणबीर कपूर को फिल्म ऑफर की थी, मगर उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था, क्योंकि जोया रणवीर सिंह को लीड रोल के लिए कंफर्म कर चुकी थी और रणबीर कपूर को सपोर्टिंग रोल ऑफर हुआ था। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रणबीर कपूर ने जोया की फिल्म के ऑफर को रिजेक्ट किया हो। इससे पहले वो जोया की दिल धड़कने 2 में भी काम करने से मना कर चुके हैं। खैर, गली बॉय छोड़कर तो रणबीर कपूर ने वाकई में बड़ी गलती की है, क्योंकि ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर में और 4 चांद लगाने वाली है। बता दें कि गली बॉय 14 फरवरी को रिलीज होगी। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि गली बॉय के जरिए रणवीर और आलिया बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाते हैं। वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।